नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी का हुआ निधन, मुख्यमंत्री राजे भी अंतिम यात्रा में हुई शामिल। पैतृक गांव जाट बहरोड़ में हुआ अंतिम संस्कार। महिला सशक्तिकरण के तहत हुआ दौड़ का आयोजन, विजय मंदिर में हुई दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता। अरावली स्पोर्ट्स अकेडमी, गायनी सोसाइटी और इनर वी हिल ने किया था आयोजन। सोने के सौ कांटे के चोर हुए गिरफ्तार, पांच महिलाओं को किया गिरफ्तार। राजगढ़ के चौपड़ बाजार का है मामला। सेंट एंसलम स्कूल की छात्रा के 164 में हुए बयान दर्ज, जूनियर फादर के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। आरोपी पर अश्लील मैसेज और अश्लील हरकत करने के लगे आरोप। और अब समाचार विस्तार से। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लीवर की बीमारी के इलाज के दौरान मौत हो गई। 66 वर्षीय चौधरी एक बार जिला पार्षद और तीन बार विधायक रह चुके हैं। 14 साल तक अलवर जाट महासभा के अध्यक्ष भी रहे। गुरुवार दोपहर 3 बजे उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री राजे सहित अनेक राजनेता भी शामिल हुए। धर्मपाल चौधरी ने बांसुर के चतरपुरा वार्ड से जिला पार्षद का चुनाव जीतकर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 1998 में मुंडावर विधानसभा से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़े थे। चुनाव में भाजपा से जीते डॉक्टर जसवंत यादव के साथ चौधरी उप विजेता थे। 2000 में जसवंत यादव के सांसद बन जाने पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने चौधरी को प्रत्याशी बनाया। उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने चौधरी 2003 में फिर चुनाव जीतकर सरकार में संसदीय सचिव बनाए गए। 2008 के चुनाव में कांग्रेस के मेजर ओपी यादव से हार जाने के बाद भी जनता से जुड़े रहने के चलते 2013 में रिकॉर्ड मतों से जीत कर तीसरी बार विधायक बने। विधायक चौधरी एक किसान जाट बहरोड निवासी सुल्तान चौधरी के घर जन्मे थे। जिला प्रमुख चुनावों के दौरान चौधरी को स्वाइन फ्लू हो जाने के बाद से लीवर में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके बाद से ही वे बीमार रहने लगे। विधायक का वर्तमान में हैदराबाद से इलाज चलने के बाद गुरुग्राम के मेदांता में भर्ती कराया गया था, जिनका गुरुवार को निधन हो गया। विधायक का अंतिम संस्कार पैतृक गांव जाट बहरोड़ में 3 बजे किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री राजे भी विधायक चौधरी के अंतिम संस्कार में शामिल होने जाट बहरोड़ गांव पहुंची। साथ ही मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव, हेम सिंह भड़ाना, रोहिता शर्मा सहित अनेकों विधायकों ने वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्मपाल चौधरी जी का आज आकस्मिक निधन हो गया। सुबह 3 बजे मैदानता में गुड़गांव में। धर्मपाल जी ने जीवन में हमेशा अच्छाई का साथ दिया, बुराई का विरोध किया, क्षेत्र के विकास में हमेशा रुचि ली और बुरा बनने की परवाह किए बिना जरूरतमंद की मदद करी, विकास भी किया। और वो कोई एक बिरादरी के, हालांकि जाट बिरादरी के, वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे और उन्होंने अलवर जिले में जाट महासभा के अध्यक्ष के रूप में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए और उनके समय पर जाट महासभा में कोई विवाद नहीं रहे। लेकिन वो केवल जाट समाज के ही नेता नहीं थे, वो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए और अलवर जिले में भी सभी लोगों के लिए एक सर्वमान्य नेता के रूप में उन्होंने राजस्थान में अलवर जिले का, मुंडावर का, अपना, अपने समाज का नाम रोशन किया। महिलाओं में जागरूकता एवं उत्थान के लिए अलवर गायनी सोसाइटी, अरावली स्पोर्ट्स एकेडमी और इनर व्हील के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत विजय मंदिर में दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता से की गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्राओं और महिलाओं ने भाग लिया। अरावली स्पोर्ट्स अकेडमी के संयोजक मिशन कालरा के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के तहत गायनी सोसाइटी और इनर व्हील क्लब के सहयोग से विजय मंदिर में गुरुवार को दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सरकारी स्कूल और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनमें विभिन्न आयु वर्ग में दौड़ का आयोजन भी किया गया और विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस मौके पर 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। अरावली स्पोर्ट्स अकादमी पिछले 17 सालों से खेलों के क्षेत्र में सक्रिय है।
ये अलवर में नन्हे मुन्ने बच्चों को खेलों के प्रति एक आकर्षण पैदा करने के लिए समय समय पर खेल गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। इसने पिछले 17 वर्षों में टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। आज भी हमने विजय मंदिर में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया है जिसमें सिर्फ लड़कियों को शामिल किया गया है और बॉम्बे से भी हमने 10 वेटरन्स एथलीट्स को यहाँ बुलाया था जिससे कि बच्चों के अंदर जोश पैदा हो सके और बच्चों को आगे की गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिल सके। ज़्यादातर इस प्रतियोगिता में आसपास के गांवों की बच्चियों ने भाग लिया है और उनके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि गांव की लड़कियों को भी और गतिविधियों में पूरा योगदान देना चाहिए और उन लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्होंने शहरों की लड़कियों के मुकाबले में आगे जीत हासिल की है। गायनी सोसाइटी से मोनिका गुप्ता ने बताया कि महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए इस तरीके के आयोजन किया जाना बेहद जरूरी है। पहले हमें खुद सशक्त बनने की आवश्यकता है, समाज में महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी का हक रखती हैं। आज का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पे आज का कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण पे रखा गया है। इसमें 3 सोसाइटी, अलवर ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी सोसाइटी, इनरवीज क्लब ऑफ अलवर एंड अरावली स्पोर्ट्स अकेडमी ने मिलकर किया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि शहर में एक चेतना जगाना, जागरूकता जगाना कि हमें लड़कियों को, महिलाओं को अपने लिए कुछ करना है, किसी और से मदद मांगने के पहले स्वयं को पहचानना है कि हमें, हम अपने लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मदद देने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं सब जने, पर हमें, हम पहले हम तो संबल बने। इसके लिए हमने एक रेस फॉर रन फॉर राइट्स कराई है जिसमें है ना लड़कियां भागी हैं लक्ष्य तक, ताकि उनको ये संदेश मिल सके कि हमें अपने लक्ष्य तक दौड़ना है। गायनी सोसाइटी की तरफ से पोस्टर कॉम्पिटिशन कराया गया है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे था, जिसमें लड़कियों को ये चेतना मिल सके, वो उसको बनाएंगी, उसके बारे में सोचेंगी, चिंतन करेंगी, डाटा कलेक्ट करेंगी, ताकि उनको ये पता लग सके कि हमें क्या समस्या और हमें क्या समाधान करना है। और जो बॉम्बे से नवदुर्गा ग्रुप आया है उसने बच्चों को आत्मरक्षा के गुण सिखाए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बहुत ज़रूरी हैं। 2:30 बजे महावर ऑडिटोरियम में सबका फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा, सबको सम्मान समारोह होगा, पुरस्कार वितरण होगा और 21 तारीख को वॉक फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए चलिए बाला किला पे आयोजित की जाएगी। धन्यवाद। विजय मंदिर में सुबह 7 बजे शुरू हुई इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भाग लेने पहुंची। महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए मुंबई से भी एक महिलाओं का दल इस आयोजन में भाग लेने अलवर पहुंचा। विभिन्न वर्गों में हुई दौड़ और बीएड कॉलेज की छात्राओं की पोस्टर प्रतियोगिता भी करवाई गई। यहां छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इसके अलावा 20 अप्रैल को सुबह 7:30 बजे तिजारा में जागृति दौड़ और 21 अप्रैल को सुबह 7 बजे बाला किला पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार में एक ज्वेलर्स की दुकान से सोने के करीब 100 कांटे चोरी कर ले जाने के आरोपी 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कस्बे के ठठेरा मोहल्ला तेल मिल की गली निवासी जैकी उर्फ जय किशन महाजन ने राजगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया था। मंगलवार की दोपहर को करीब 3 बजे उसकी चौपड़ बाजार स्थित अग्रवाल ज्वेलर्स की दुकान पर 5 महिलाएं आई थी तथा उससे सोने चांदी के आभूषण दिखाने के लिए कहा, तो उक्त महिलाओं को सोने चांदी के आभूषण दिखाने लग गया। कुछ समय बाद ही सभी महिलाओं ने उससे कहा कि अभी हमारे पास रुपए नहीं है, दोबारा आकर खरीद कर ले जाएंगे। महिलाओं के जाने के बाद उसने अपनी दुकान के गल्ले को चेक किया तो गल्ले में रखा लेडीज पर्स गायब मिला। पर्स के अंदर सोने के 100 कांटे, आधार कार्ड, उसके भाई मनीष का आधार कार्ड आदि रखे हुए थे जिसको उक्त महिलाएं चोरी करके ले गई। दुकान के बाहर आकर बाजार में महिलाओं की तलाशी की तो 4 महिलाओं को पकड़ लिया गया और 1 महिला भाग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बारा जिला की अंता थाना क्षेत्र के ममूलिया कला गांव निवासी कांति उर्फ शांति, पत्नी मोहरपाल मोंगिया बागरी, उसकी पुत्री बंटी करीना तथा पुत्र वधु गोरी बाई पत्नी मोहन को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की अभी जाँच कर रही है। सेंट एंसलम स्कूल में 9वीं की छात्रा के साथ आपत्तिजनक मैसेज और अश्लील हरकत करने वाले आरोपी जूनियर फादर जॉर्जेस ब्रिटो को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। उधर अरावली विहार थाना पुलिस ने छात्रा के 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी जूनियर फादर की गिरफ्तारी पर पुलिस की शिथिलता के आरोप लगाए। सेंट एंसलम में बुधवार को जब पीड़िता के परिजन और मोहल्ले वासियों ने जूनियर फादर जॉर्जेस
बीटू के खिलाफ छात्रा को अश्लील मैसेज भेजने और अश्लील हरकतों के आरोप में जमकर हंगामा किया तो सूचना मिलने पर अरावलीयर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी वहां से भाग चुका था। पुलिस ने देर रात दोसा के लाल सोट से उसे गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि अभी तक आरोपी से पूछताछ होने के चलते गिरफ्तारी नहीं दिखाई गई। गुरुवार को पीड़िता के 164 के तहत बयान दर्ज कराए गए। कल जो सेंट एंसलम स्कूल का जो मामला है लड़की को छेड़ने का और उसके साथ अश्लील हरकतें करने का, उस बाबत आज जो पीड़िता लड़की है उसके माननीय न्यायालय में 164 के बयान कराए गए हैं। आरोपी से अनुसंधान करना बाकी है। आरोपी को अनुसंधान करके बाद में जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग रखी। साथ ही आरोपी के साथ पुलिस द्वारा नरमी बरते जाने के आरोप लगाए। हिंदू समाज के साथ जो ईसाईकरण हुआ जा रहा है उसका ज्वलंत उदाहरण कल संत एंसलम स्कूल में पकड़ा गया और उसमें 14 साल की बच्ची के साथ जो उन्होंने मैसेज दिए, अश्लील मैसेज दिए, उसका जब विरोध करने के लिए उसको प्रशासन बचाने के लिए उतारू था, पुलिस प्रशासन उसको भगाने की कोशिश कर रहा था, उसमें जब हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे जो वहाँ के पार्षद हैं उन्होंने उसका विरोध किया तो पुलिस ने और उल्टा उनको पर ही मुकदमे लगा दिए। नेकी अपराधी को गिरफ्तार करने के अलावा हमारे लोगों को उन्होंने प्रताड़ित किया। इस विरोध में हम उसका ज्ञापन देने जा रहे हैं। अलवर जिले के अधिकारियों में तनाव को दूर करने के लिए गुरुवार को प्रताप ऑडिटोरियम में मेडिसिन फ्री लाइफ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू इम्प्रूव वर्किंग एफिशिएंसी एवं मेंटल हेल्थ विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर अतीश अशोक कापसे ने संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को अपने व्यवहार में बदलाव लाकर तनाव मुक्त रहने के लिए कई उदाहरण भी दिए। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम राकेश कुमार गढ़वाल ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों में वर्तमान समय में कार्य की अधिकता होने से तनाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकारी अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रख सके, इसी सिलसिले में इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। सेमिनार में SDM शुभम चौधरी, CEO सिटी जयसिंह नथावा सहित सभी ब्लॉक स्तर के ADM, BDO, तहसीलदार सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। ये मेडिसिन फ्री लाइफ और आज के तनावपूर्ण माहौल में जो वर्कलोड जो ज़्यादा है उस वर्कलोड के संदर्भ में जिस तरह से ऑफिसर्स कर्मचारी राजकीय कर्मचारी जो कार्यालय में दबाव फील करते हैं और उस दबाव से जो बीमारियाँ BP है, शुगर है, हार्ट है, तनाव से बीमारियाँ हो जाती हैं, तो तनाव मुक्त रह करके खुशी खुशी ज़्यादा काम कैसे करें, इस पर इनका लेसन अच्छा सेमिनार लेसन प्रेजेंटेशन हुआ है। कुछ जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे घर में डेली काम में लेते हैं उनके बारे में बताया गया है कि कैसे उनको सही तरीके से यूज करके बहुत ही इन खतरनाक बीमारियों को होने से रोका जा सकता है, कैसे बच सकते हैं, तो अच्छे प्रैक्टिकल उन्होंने बताए हैं स्पीच के माध्यम से, अच्छा उन्होंने बताया है। तो इनका ये एक नेशनल एजुकेशन जो NGO है ये स्टेट में इस तरह से लेसन और स्पीच देते रहते हैं, निःशुल्क ये यहाँ उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा फायदा मिला है। कुछ स्किल्स उन्होंने बताए हैं तो फॉलो करने का फायदा मिला है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह का आयोजन रविंद्र मंच जयपुर में किया गया। चयनित 25 ग्राम पंचायतों में अजमेर जिले की सनोद ग्राम पंचायत की सरपंच श्रीमती राज नरुका तथा सचिव को उत्कृष्ट कार्य तथा सर्वाधिक पट्टा वितरण हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में पंचायत राज मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़, कृषि मंत्री श्री प्रभुलाल तथा स्वच्छ भारत अभियान के निदेशक श्रीमती आरुषि मलिक उपस्थित रही। गौरतलब है कि श्रीमती राज नरुका मूलतः अलवर के निवासी हैं और LLB करने के बाद अब अजमेर के सानोद ग्राम पंचायत में सरपंच की जिम्मेदारी निभा रही हैं। अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित मांडल बास के अंडरपास के मोड़ पर सवारियों से भरी जीप के असंतुलित होकर पलट जाने से करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार सवारियों से भरी एक जीप राजगढ़ से अलवर जा रही थी। रास्ते में सुबह सोता का बास के मोड़ पर जीप के असंतुलित होकर सीमेंट के बने पानी के फर्मों से टकराकर पलट जाने से एक बड़ा हादसा सामने आया जिसमें सवार लोगों को काफी चोटें पहुंची जिसमें अनेकों महिलाएं भी शामिल थी। इस हादसे में तालाब गाँव का भवानी शंकर शर्मा, राजगढ़ निवासी चंद्र प्रकाश शर्मा, संजय सैनी, बल्लू राम मीना सहित 8 लोग घायल हो गए।
घायलों को एम्बुलेंस 108 के सहायता से राजगढ़ चिकित्सालय लाया गया, जहां घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुंडावर विधायक धर्मपाल चौधरी का हुआ निधन, मुख्यमंत्री राजे भी अंतिम यात्रा में हुई शामिल। पैतृक गांव जाट बहरोड में हुआ अंतिम संस्कार। महिला सशक्तिकरण के तहत हुआ दौड़ का आयोजन, विजय मंदिर में हुई दौड़ और पोस्टर प्रतियोगिता। अरावली स्पोर्ट्स अकेडमी, गायनी सोसाइटी और इनर व्हील ने किया था आयोजन। सोने के 100 कांटे के चोर हुए गिरफ्तार, 5 महिलाओं को किया गिरफ्तार। राजगढ़ के चौपड़ बाजार का है मामला। सेंट एंसलम स्कूल की छात्रा के 164 में हुए बयान दर्ज, जूनियर फादर के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप। आरोपी पर अश्लील मैसेज और अश्लील हरकत करने के लगे आरोप। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।